हेलो माय फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग क्रेजीनेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मेरा जो ये पंच है, मेरी पंच को एक साल हो गया है और मेरी जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो गई है। अब मैंने इंश्योरेंस के लिए, पहले मेरा कोटेक था, आफ्टर दैट मैंने ICICI लोम्बार्ड चूज किया। तो मैंने ICICI लोम्बार्ड में इसमें मैंने इंश्योरेंस रिन्यू कराई, तो उसमें मेरे को तीन ऑप्शन दिए थे। तो तीन ऑप्शंस में एक तो मतलब नॉर्मली था, दूसरा जीरो डेप का था और तीसरा एक स्मार्ट कुछ करके था। तो वो मैंने उसको चूज किया और उस पॉलिसी के साथ मुझे ICICI लोम्बार्ड की तरफ से IL असिस्ट, जिसको ये बोलते हैं टेलीमेटिक डिवाइस में, अब ये तो मुझे लगा के उन्होंने दे दिया है, लेकिन मैं एक बार आपको इसका बॉक्स ही जो बॉक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये टेलीमेटिक जो है इस तरीके का होता है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। इसमें क्या है कि डाउनलोड IL ऐप, कनेक्ट स्मार्ट प्लग एंड सिक्योर योर ड्राइव। अब इसमें क्या हमारे को बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेरे को एक OBD GPS ट्रैकर मिला है और OBD ये जो है OBD पे कनेक्ट होता है, ये कुछ यूजर मैनुअल से जो मुझे एक ऐप डाउनलोड करनी है, तो ये ऐप डाउनलोड करने के बाद ये चालू होता है। और ये जो है मेरे को मिला है जब मैंने ICICI लोम्बार्ड की इंश्योरेंस कराई है। अब ये तो हो गया कि इसका बॉक्स है, लेकिन एक्चुअल में डिवाइस कहाँ पर है, मैं आपको डिवाइस दिखाता हूँ। ये डिवाइस है, ये जो डिवाइस मैंने ये निकाला और यहाँ पर हमारा होता है OBD का जो पोर्ट है वो यहाँ पर है। ये उन्होंने दिया है IL असिस्ट, आपको दिख रहा होगा। ये OBD का मैंने एक्चुअल में ये मेल फीमेल कनेक्टर लिया, क्योंकि ये उस पर लगाने के बाद मेरा यहाँ पर जो है ये बंद नहीं हो रहा था। तो ये है IL असिस्ट और ये जो है एक GPS ट्रैकर है। अब इस GPS ट्रैकर में मैं आपको इसकी ऐप खोल के बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हमारे को मिला है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने डिवाइस है और ये डिवाइस की ऐप है, ये मैं ऐप आपको बताता हूँ। IL असिस्ट है जो मेरे को इंश्योरेंस में डिवाइस के साथ ये ऐप हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ये डिवाइस में ये ऐप मैंने जब इंस्टॉल किया तो इसमें सारी डिटेल्स आ गई हैं और इसमें मेरी लोकेशन और सब कुछ जो डिटेल है मेरी यहाँ पर आ गई है। आप ये देखिए कि इसमें जो मेरा जो बैटरी का है, बैटरी मेरी कितनी है वो मुझे बता रहा है। मेरी जो एरर है कोई, अगर मेरी गाड़ी मेरे जो इसमें कोई एरर आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है, अभी ये शो कर रहा है। और यहाँ पर जो है ये टोटल डिटेल मुझे बता रहा है, जैसे लाइव हो गया, मेरी लाइव लोकेशन हो गई, ऑडोमीटर लॉग हो गया, रोड साइड असिस्टेंट अगर मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी, तो इंश्योरेंस की मेरी पूरी डिटेल होगी इसके अंदर। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है कि जो मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर अपलोड कर सकता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़े। ये ट्रिप है, एक्टिविटी होगी, ड्राइविंग समरी होगी और सर्विस हिस्ट्री, हमारी सर्विस हिस्ट्री भी हम इसमें इंस्टॉल करके हम पता कर सकते हैं। ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स में इसमें एक चार्ट आता है और जैसे एनालिटिक रिपोर्ट है, एनालिटिक रिपोर्ट में हमने जैसे कैसे हम गाड़ी हमने ड्राइव करी है वो पूरा इसमें जनरेट होती है। जैसे कि इसमें मैंने मेरा एक दिन का है ये, और मेरी जो इसमें जो स्कोर आ रहा है वो आप देखिए 9.57 आउट ऑफ 10 जैसे है। तो मैंने जैसे ड्राइव करी है वो इसमें दिखा रहा है कि टोटल जैसे कि इसमें कितना हमने गियर यूज़ किया है या सारा कुछ जो होता है ड्राइविंग कितनी स्पीड पे चलाई है, तो ये टोटली ये हमें बताता है विद लोकेशन। अब इसमें बाकी तो हेल्प है इसमें। अब इसमें एक चीज़ आती है कि अलर्ट्स, हमें अलर्ट्स क्या आते हैं इसमें। अलर्ट्स हम अपने जो इसमें जैसे हमने इग्निशन ऑन किया है गाड़ी का, तो ये हमें अलर्ट करेगा कि गाड़ी का इग्निशन ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है। ये हमें
दोनों बताएगा। अब इसमें हम इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जो है सेटिंग्स में जो होता है, सेटिंग्स में अलर्ट्स का है, अलर्ट्स का इसमें हमें कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर में हमने जैसे इंजन एरर्स, अगर कोई इंजन एरर आ रहा है, चेक इंजन लाइट या कुछ भी है, अगर कुछ भी आ रही है वो हमें बता देगा। स्पीड हो गया, अगर स्पीड हमने कितने तक स्पीड रखनी है वो इसमें हमें आ जाएगा। और जैसे कि इसमें हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि कितने स्पीड तक हम इसमें रखनी है, जैसे 82 है, 82 से ऊपर अगर ये रन करती है तो हमें एक अलर्ट आ जाएगा कि ये गाड़ी इससे ज़्यादा रन कर रही है। अब इसमें एक डिवाइस प्लग आउट है, अगर डिवाइस अगर निकाल देते हैं बाई चांस, कभी कोई गाड़ी का डिवाइस निकाल देता है तो वो डिवाइस का भी हमें ये बता देगा कि ये डिवाइस प्लग आउट हुआ है। इग्निशन ऑन हो ऑन का भी हमें वो देता है, रैश ड्राइविंग करी है तो उसका भी अलर्ट देगा, आउट ऑफ सिंक हो जाता है तो भी अलर्ट देगा, सर्विसिंग हो गया। जियो फैंस, जियो फैंस एक ऐसी चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे फ्रेंड्स हो गए या कोई और भी हुए, जैसे दोस्त हुए या दोस्त या फ्रेंड्स या हमारे अपने रिलेटिव्स में भी होता है कि हम ना चाहते हुए भी हमें गाड़ी देनी पड़ती है, उस टाइम पे ये बहुत काम आएगा। वो काम कैसे आएगा, हम जैसे मेरे को बोल दिया कि जी मैं क्या कहते 10 किलोमीटर तक जा रहा हूँ, तो मैं एक अपना इसमें जियो फेंस में अपना एक जो है एरिया इतना तक 10 किलोमीटर तक का मैंने चूज़ कर लिया है। जैसे इसमें है हम बढ़ा और घटा सकते हैं जितना भी है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर वो उससे ज़्यादा जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये गाड़ी वो ज़्यादा रन कर रहे हैं, इसको 10 किलोमीटर से ज़्यादा ले जा रहे हैं, तो हमें एक मैसेज ड्रॉप हो जाएगा। वीकलीस हमें समरी भी ये देगा, हार्ड ब्रेकिंग अगर कर रहे हैं तो भी ये हमें अलर्ट करेगा, आइडलिंग करेंगे तो भी हमें ये अलर्ट करेगा, डॉक्यूमेंट एक्सपायरी अगर हमारी इंश्योरेंस और ये एक्सपायर हो रहा है तो हमें ये बताएगा, इग्निशन ऑफ करा है तो भी हमें ये अलर्ट करेगा, और बैटरी अगर हमारी बैटरी की जो कितना मतलब उसमें वोल्टेज है वो हमें ये बताएगा। ये चीज़ें इसके अंदर हैं और ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है कि हमारी ये ट्रैकिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बस यही बताने के लिए था कि मैंने जो इंश्योरेंस करी थी उस इंश्योरेंस में मुझे जो डिवाइस मिला है इसकी वर्किंग कैसी है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।